सो हाय, दिस इज पुनीत त्यागी और आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि यार लोगों को फिटनेस पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है कोरोना के चक्कर में कि जिम भी बंद है, आपके पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है, डंबल्स भी नहीं है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा होम वर्कआउट वीडियो शेयर करूंगा जहां पर मैंने एक्सरसाइज करी है घर की उन सब चीजों से जो कि नॉर्मली आपके घर पर भी होंगी, और यहां पर मैंने बेसिक से लेकर एडवांस दोनों को कवर किया है। यानी कि अगर जो आप फर्स्ट टाइम वर्कआउट कर रहे हैं, कभी लाइफ में जिम नहीं गए, तब भी आप इस होम वर्कआउट वीडियो को इजीली फॉलो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो आप जिम जाते थे तो भी आप इस वीडियो को ढंग से फॉलो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इन सारी एक्सरसाइजेस को। दूसरी चीज ये है कि अगर जो आप फैट लॉस करना चाहते हैं और चाहे आप मसल गेन करना चाहते हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इस चीज का आपको पता चलेगा इस वीडियो के एंड में। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां पर मैं फैशन, फिटनेस और मॉडलिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज डालता हूँ। कोई भी आपके दिमाग में जो टॉपिक है आप सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे पक्का वहां पर डीएम करें। मैं वहां पर कोशिश करूंगा कि आपकी उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं। एंड फॉर नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है शोल्डर की। तो अब बेसिक लेवल की अगर जो मैं बात करूं तो यार आप स्टार्ट कर सकते हो ब्रिक से, यानी कि ईंट से, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है। और इसमें हम करेंगे सिंगल हैंड शोल्डर प्रेस। और अगर जो आप मिडल लेवल पे हो यानी कि इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आपको बैग लेना है कोई सा भी नॉर्मल, जिसके अंदर आप 4 से 5 वाटर बॉटल यूज़ कर सकते हो अपना उसके अंदर का वेट इंक्रीज करने के लिए। और वेट आप अपने रेजिस्टेंस, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यूज़ करेंगे। यानी कि ज़्यादा यूज़ करना है तो आप वाटर बॉटल ज़्यादा डाल सकते हैं। और उससे अलग अगर जो आपको मतलब और भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाना है तो आप इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं फ्रंट रेज प्लस साइड लेटरल रेज भी कर सकते हैं। और 15-15 के आपको 3 सेट लगाने हैं इस चीज़ के, तो ये आपका शोल्डर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज है आर्म्स की एक्सरसाइज यानी बाइसेप की एक्सरसाइज। अब बेसिक लेवल पर अगर मैं बात करूँ फिर वही जो आपको लाइट वेट के लिए आप ब्रिक यूज़ कर सकते हैं। और इससे जो ये एक्सरसाइज करनी है अगर जो आप इंटरमीडिएट लेवल पे करना चाहते हैं तो आप बैग से कर सकते हो, वाटर बॉटल्स डाल के अकॉर्डिंगली अपने वेट के हिसाब से, रेजिस्टेंस के हिसाब से। एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो आप तो घर में कोई भी अगर जो आपके खाली सिलेंडर है या फिर कोई मयूर जगह अगर जो रखा हुआ है उसके अंदर पानी भर के आप बाइसेप्स बहुत ईजिली कर सकते हैं। 20-20 के आपको इसके 3 सेट लगाने हैं और आपके बाइसेप की एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएंगी। तो अब बारी आती है ट्राइसेप्स की। तो यानी कि अगर जो आप बेसिक लेवल पे हो तो आप वही सिंगल एक ब्रिक लेके आप सिंगल हैंड ट्राइसेप की एक्सरसाइज लगा सकते हैं जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं। अगर जो आप एडवांस लेवल पे कर रहे हो तो आप किक बैक कर सकते हैं और 15-15 के आपको 3 सेट लगाने हैं ट्राइसेप्स के। तो अब जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो हमारी बैक की एक्सरसाइज है जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। और ये जो मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी और इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपको बिल्कुल मसल पे फील आएगा इस वाली एक्सरसाइज को करने के लिए। आपको बैक किस टाइप से पकड़ना है जैसे कि मैंने वीडियो में दिखा रखा है, और आपको रोइंग एक्सरसाइज करनी है इसमें। 15-15 के आपको 3 सेट लगाने हैं इसके अंदर और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी बैक के लिए। तो अब आती है बारी फिफ्थ एक्सरसाइज की यानी कि चेस्ट की। तो चेस्ट अगर जो आप बेसिक लेवल पे और आपको पुशअप्स लगाने नहीं आते हैं तो नीज का सपोर्ट लेके आप पुशअप्स लगाएंगे बिगिनर लेवल पे, और 15 के 3 सेट लगाने हैं आपको। और अगर जो आप इंटरमीडिएट लेवल पे यानी कि आपको पुशअप्स करने आते हैं तो बिल्कुल बेसिक पोस्चर में पुशअप्स लगाने हैं, 15 के 3 सेट आपको करने हैं। और अगर जो आप एडवांस लेवल पे हैं यानी कि आपको पुशअप्स लगाने की बहुत अच्छी आदत है तो आप बैग के अंदर वाटर बॉटल्स डाल के आप बहुत आराम से 15 या 20 के 3 सेट कर सकते हैं। चेस्ट का पार्ट आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब बारी आती है सिक्स्थ एक्सरसाइज की यानी कि लेग्स की। अब बारी आती है तो बेसिक लेवल पे हैं तो आपको बिल्कुल फ्री स्क्वाट्स लगाने हैं, 20 के 3 सेट आपको लगाने हैं। जो आप
एडवांस लेवल पे हैं तो आप इसके अंदर वाटर बॉटल्स डाल सकते हैं, अपने बैग के अंदर वाटर बॉटल डाल के आप 20 के 3 सेट लगा सकते हैं और आपका लेग्स का पार्ट खत्म हो जाएगा। अब एब्डोमिनल को ट्रेन करने के लिए, अपने एब्स को ट्रेन करने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ क्रंचेस मारा है, फुल क्रंचेस नहीं किया है। बेसिक लेवल पे आपको हाफ क्रंचेस करने हैं, वो भी 50। और अगर जो आप एडवांस लेवल पे हैं तो आपको बैग के साथ उसके अंदर वाटर बॉटल्स होंगी या फिर किसी भी एक चीज़ को जो कि आपको लगता है कि हैवी है उसको आप पिक कर सकते हैं, उसको पकड़ के आप क्रंचेस कर सकते हैं, लेकिन क्रंचेस आपको हाफ ही करने हैं, फुल क्रंचेस नहीं करने हैं। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फैट लॉस का तरीका और मास इंक्रीज करना है, मसल मास इंक्रीज करना है, उसका तरीका मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगा वीडियो के। तो यार अगर जो आप फैट लॉस करना चाहते हो इस पर्टिकुलर होम वर्कआउट के थ्रू, तो आपको सर्किट के हिसाब से ये वाली एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, जिनमें कि आपका दो सर्किट आपके बनेंगे। पहले सर्किट में आपका होगा शोल्डर, फिर उसके बाद बाइसेप, फिर ट्राइसेप्स। अब आपको मैं इसको थोड़ा इजी करने के लिए मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपको शोल्डर की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जैसे आपने वीडियो में देखी थी, उसके बाद आपको बाइसेप की एक्सरसाइज करनी है जैसे आपने वीडियो में देखी थी, फिर ट्राइसेप की करनी है, उसके बाद गैप लेना है आपको, यानी कि उसके बाद रेस्ट लेना है आपको। जब ये तीनों आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर दोगे तो एक सर्किट बन जाएगा और ये आपको 3 बार रिपीट करना है। उसके बाद आप जब दूसरे सर्किट में आएंगे तो आपको करना है चेस्ट, बैक और लेग्स। जैसे कि जोन जोन सी उसमें एक्सरसाइजेस थी वो आप वीडियोज में देख ही रहे हैं, तो उनको आपको करना है और इनके बीच में भी कोई गैप नहीं आने वाला है, नॉट इवन अ सिंगल सेकंड आपको इसमें रुकना है, आपको 1% भी नहीं रुकना है। पूरा जब आप पूरा साइकिल कंप्लीट कर देंगे उसके बाद एक साइकिल के बाद जब दूसरी साइकिल पे जाएंगे, यानी कि एक बार जब आपने उसको कंप्लीट कर लिया है और दूसरी बार स्टार्ट करेंगे, उस बीच में आपको सिर्फ 1 मिनट का गैप लेना है। तो ये बेसिकली है फैट लॉस वाले लोगों के लिए, उसके बाद आप क्रंचेस करेंगे जो कि एब्स का पार्ट है, एब्डोमिनल का पार्ट है। अब उन लोगों के लिए जो मसल मास इंक्रीज करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेसिक सा रूल यही है कि जैसे आपको मैंने वीडियो में एक्सरसाइजेस बताई हुई हैं, आपको बेसिकली उसी तरीके से करना है। बस एक एक्सरसाइज, यानी कि जैसे आप स्टार्टिंग में बाइसेप कर रहे हैं तो एक सेट से दूसरे सेट के बीच में 1 मिनट का गैप होगा और एक एक्सरसाइज से दूसरे एक्सरसाइज के बीच में 2 मिनट का गैप होगा। तो ये बहुत बेसिक सा रूल जो मैंने आपको बता दिया फैट लॉस और मसल मास इंक्रीज के लिए। बाकी इस वीडियो को अपने जिम पार्टनर्स के साथ, अपने दोस्त, अपने वाइफ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करके उनको चैलेंज दे सकते हो आप, क्योंकि आपको फिटनेस पे किसी भी हाल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब हर हाल में कर देना।